गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज हम जनरल अवेयरनेस में इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे यस yes, इंसेक्ट्स आपने सुना है कभी इंसेक्ट्स का नाम इंसेक्ट्स इज वन काइंड ऑफ टाइनी क्रीचर्स टाइनी मतलब बहुत छोटा बहुत छोटा जैसे एंट कॉकरोच देन हनी बी आप बोलोगे मैम छोटे होते हैं यस yes, आप देखो आपके सामने कॉकरोच तो इतनी सी है मॉस्क्यूटो वेरी वेरी स्मॉल राइट देन व्हाट आई सेड हनी भी हनी भी तो हमारे विथ रिस्पेक्ट टू अस इट्स वेरी स्मॉल इसलिए टाइनी क्रिएचर क्रिएचर मतलब टाइनी ऐसा टाइनी चीज है जो मूव कर सकते हैं बिकॉज अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में बात किया राइट चिल्ड्रन ऑल एनिमल्स मूव कर सकते हैं राइट बट प्लांट नहीं मूव कर सकते हैं सो so, एनिमल और प्लांट में यही सबसे बड़ी डिफरेंस है जबकि आपको अगर आप प्लांट को हर्ट करते हो तो उसको भी दर्द होता है जैसे एनिमल या हमको हर्ट करो तो दर्द होता है ना सिमिलरली बट एनिमल कैन मूव प्लांट कांट हम भी मूव कर सकते हैं पर आपके घर पे पॉट में जो प्लांट है वो मूव कर सकते नहीं सिमिलरली क्रीचर्स मतलब जो मूव कर सकते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं बट वट इज इंसेक्ट आपने बोला मैम इंसेक्ट इज अ टाइनी क्रीचर्स बहुत छोटे छोटे हैं जो मूव कर सकते हैं नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर फिफ्टी सिक्स ऑफ जनरल अवेयरनेस शीट बुक्स वहाँ पे इंसेक्ट्स का बहुत सारे पिक्चर दिया है बट आपको मैं इंसेक्ट्स के नाम बताने से पहले इंसेक्ट्स के और एक आ, आ, स्पेशल चीज़ बताती हूँ अच्छा आ, बच्चों बताओ हमारे कितने लेग्स हैं टू और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के फोर लेग्स होते हैं राइट एनिमल्स के फोर लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स होते हैं यस yes. अभी इनसे इतने छोटे होते हैं आप उसको पकड़ के काउंट नहीं कर सकते हो बट मैंने बोला था ना टाइनी होते हैं बट इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स होते हैं एंड कोई कोई इंसेक्ट्स के टू या फोर विंग्स होते हैं सबके नहीं होते हैं. जैसे फर्स्ट इंसेक्ट्स है वन मिनट लेट मी टेक माय ब्रश ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई के विंग्स हैं आपने ड्रैगन फ्लाई देखा है समटाइम्स ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे दिखते हैं एंड वेन ड्रैगन फ्लाई मूव्स बहुत साउंड आता है एक हल्का सा बजिंग साउंड आता है नेक्स्ट इन्सेक्ट्स हनी बी हनी बी के भी विंग्स है एंड एट लेग्स भी है ड्रैगन सॉरी सिक्स लेग्स है ड्रैगन फ्लाई के भी है विंग्स ना लेडी बर्ड लेडी बर्ड के सिक्स लेग्स हैं और विंग्स नहीं है सिमिलरली एंड सिक्स लेग्स नहीं है, है।, है। लेग्स भी है एंड विंग्स भी है uh, मॉस्क्यूटो फ्लाई करते हैं ना कॉकरोच कॉकरोच के भी सिक्स लेग्स एंड विंग्स होते हैं बटरफ्लाई की विंग्स होती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है नाउ स्पाइडर आपने स्पाइडर को देखा है स्पाइडर वेब बनाती है यस स्पाइडर के भी सिक्स लेग्स होते हैं ग्रास ऑफर किसी ने ग्रास ऑफर देखा है समटाइम्स आपके पॉट के जो प्लांट है उसमें आते हैं थोड़ा ध्यान देना इट्स ग्रीन कलर के होते हैं एंड हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई मतलब मक्खी यस yes, जो फ्लाई कर सकते हैं सो so, इसका मतलब है उसके पास विंग्स है वेप्स वेप्स वन काइंड ऑफ बी नॉट हनी बी वैप्स एंड हनी बी में डिफ्रेंस है यहाँ पर मैंने आपको हनी भी ज़्यादा दिखती है अभी चिल्ड्रेन इस सारे इंसेक्ट्स में जो इंसेक्ट्स हमें बहुत दिखते हैं वो है मॉस्क्यूटो कॉकरोचेस बटरफ्लाई एंड स्पाइडर हाउस फ्लाई एंड हनी भी ये ये इंसेक्ट्स आप सभी ने देखा होगा किसी ने शायद ड्रैगन फ्लाई देखा होगा किसी ने लेडीबर्ड बिटल कैटरपिलम ये सब बहुत हमें स्पाइडर बिकॉज स्पाइडर इतनी टाइनी होती है बहुत ध्यान से आप नहीं देखोगे आपको नहीं दिखता है ग्रास ऑपर एंड वेब्स ये सारे इंसेक्ट्स आपको शायद आपने कभी नहीं देखा है बट आई एम श्योर आज आप ये सब इंसेक्ट के बारे में जब आपको पता चला है आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखोगे ठीक है और आप मम्मी पापा को बोल के रखोगे जब भी आपको ऐसे कोई इंसेक्ट दिखे तो दे शुड शो यू क्या आपको दिखा है बिकॉज ड्रैगन फ्लाई समटाइम्स हमारे घर के अंदर आ जाते हैं ठीक है नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड अवर इंसेक्ट्स पहली बात है इंसेक्ट्स आर टाइनी क्रिएचर बहुत छोटे से हैं सेकेंड ऑफ ऑल इंसेक्ट के पास सिक्स लेग्स होते हैं कितने सिक्स एंड इंसेक्ट के कभी कभी टू या फोर विंग्स होते हैं हर इंसेक्ट्स के नहीं है अभी इंसेक्ट्स कहाँ दिखते हैं यू कैन सी नियर बाई अराउंड अवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास रहते हैं जैसे एंट कॉक्रोच मॉस्क्यूटो फ्लाई हनी बी बटरफ्लाई ये सब तो हम देखते ही रहते हैं इजेंट इट आपके घर आप कितनी बार बटरफ्लाई देख चुके हो मॉस्क्यूटो तो बहुत है दिस इज द टाइम ऑफ मॉस्क्यूटो हाउस फ्लाई राइट नाउ रिमेनिंग इंसेक्ट्स मे बी यू हैव नॉट सीन मे बी कुछ बच्चों ने अपने देखा होगा क्योंकि लेडी बर्ड जो है कभी कभी प्लांट आपकी जो पॉट है प्लांट है उसके लीव्स में आपको दिखेंगे सो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आप देख सकते हो सो दीज आर द थिंग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट वी शुड अवेयर ऑफ आवर इंसेक्ट्स क्यों जैसे हर एक इंसेक्ट्स का एक काम होता है हर एक इंसेक्ट्स हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं इसके बारे में जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब मैम आपको बताएंगे ठीक है नाव वट वी विल डू फर्स्ट वी विल टर्न द पेज ओके नेक्स्ट पेज में लिखा है आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स का फोटो है कुछ एनिमल्स का भी फोटो है लुक एट इच पिक्चर केयरफुली एंड राइट आई वो आई है ध्यान से देखो बच्चो फॉर इंसेक्ट्स एंड ओ फॉर अदर्स मतलब हर एक पिक्चर के नीचे आप देखोगे एक बॉक्स है कैन यू सी दैट उसमें आपको अगर जो पिक्चर है वो इंसेक्ट्स है तो आपको आई लिखनी है अगर वो इंसेक्ट्स नहीं है तो ओ oh, वो oh, मतलब अदर्स इंसेक्ट्स के अलावा सो so, अदर्स का जो फर्स्ट एल्फ़ाबेट है वो है जैसे इंसेक्ट्स का फर्स्ट अल्फाबेट आई है इसलिए जो पिक्चर इंसेक्ट्स का है आपको आई लिखना है और जो पिक्चर इंसेक्ट का नहीं है वहां पे ओ लिखना है फर्स्ट पिक्चर इज फ्लाई सॉरी स्पाइडर स्पाइडर इज इंसेक्ट राइट आई हियर व्हाट इज दिस कॉकरोच इंसेक्ट्स है तो यहाँ पे आई लिखो स्नेल स्नेल क्या है इंसेक्ट्स है नो no. तो यहाँ पे ओ लिखो क्रैफ क्या है इंसेक्ट्स है नो ओ दिस इज एंट इज इट इंसेक्ट्स यस आई दिस इज डक इंसेक्ट्स है नो राइट ओ हनी बी इंसेक्ट्स यस आई लेडी बर्ड आई स्नेक इंसेक्ट्स नहीं है इसलिए मैम ने ओ लिखा डियर इंसेक्ट्स नहीं है इसलिए मैम ने ओ लिखा नाउ आई हैव रिटन विद दिस ब्रश एंड यू नो दिस ब्रश इज़ नॉट गुड सो यू नीड अ शार्पन पेंसिल एंड राइट लाइक दैट देखो जहाँ जो जो चीज़ इंसेक्ट्स है मैंने उसके फोटो के नीचे पिक्चर के नीचे जो बॉक्स है उसमें आई लिखा और जो इंसेक्ट्स नहीं है उनके बॉक्स में ओ लिखा है नाउ चिल्ड्रेन वन थिंग मैंने आज मेंशन नहीं किया क्या, क्या? date yes before starting write date you know how to write date मैंने आपको zoom session में भी समझाया है आपको date लिखना है okay now start your work till then bye